हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की अष्टी। ये अमूर्त बीजगणित का यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमें समाकारिता की अष्टी पढ़ने से पहले कुछ गुणधर्म देख लेते हैं और उसके बाद में रैखिक रूपांतरण का परिसर देख लेते हैं, रेंज देख लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे समाकारिता की अष्टी क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, रैखिक प्रतिचित्रणों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि यदि एफ जो है यू एफ से वी एफ में एक समाकारिता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, जानते हो आप लोग, कि अल्फा प्लस बीटा, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकेंड, ए अल्फा इज इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा। जब ऐसा अगर हमें मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये समाकारिता वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है करके, ठीक है। तो देखिए, इसकी इसका जो गुणधर्म होगा वो क्या होगा, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा। जो मैपिंग बना हुआ है, फंक्शन जो बना हुआ है, वो कहाँ से कहाँ है, ये यू एफ है, यू एफ से इसमें है, वी एफ में है, फील्ड एफ है, और ये जो फंक्शन स्मॉल एफ है, फंक्शन जो है वो स्मॉल एफ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर यहाँ से कोई भी जीरो वेक्टर उठाते हैं तो उसका मैपिंग हमेशा जीरो वेक्टर के साथ में ही होगा। U का जीरो वेक्टर का मैपिंग हमेशा V के जीरो वेक्टर के साथ में ही होगा और किसी दूसरे वेक्टर के साथ में नहीं होगा, अगर F U से V में एक समाकारिता है तो, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, F ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस F ऑफ अल्फा होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कब होगा, जब F जो है U से V में एक समाकारिता है। थर्ड प्रॉपर्टी भी तभी होगी जब F जो है U से V में एक समाकारिता है, तब F ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू F ऑफ अल्फा माइनस F ऑफ बीटा। और फोर्थ प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू ए, मतलब जितने भी कांस्टेंट टर्म है बाहर निकल जाएंगे, ए वन एफ ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू एफ ऑफ अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन एफ ऑफ अल्फा एन, जितने भी अल्फा हैं वो बिलोंग करेंगे यू में, जितने भी ए वन ए टू अल्फा वन एन कॉन्स्टेंट वैल्यू में बिलोंग करेंगे एफ फील्ड में, और एफ ऑफ अल्फा वन एफ ऑफ अल्फा टू ये सब बिलोंग करेंगे वी में, वेक्टर वी में, क्योंकि जब मैपिंग हो चुका है, जैसे अल्फा यहाँ पे है, एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे होगा, तो वह ऑब्वियसली बिलोंग करेगा वी में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज क्या होता है, हम नॉर्मली अगर किसी भी फंक्शन की बात करें तब भी रेंज वही डिफाइन किया गया जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, मतलब कि जिन जिन एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन में क्या होता है कि कोई दो स्टेट है हमारे पास और भी, उनके बीच कोई फंक्शन डिफाइन है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसके हर एक एलिमेंट, चाहे 1 2 4 5, हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज कि किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज ना मिले, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज ना मिले, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। दो कंडीशन होनी चाहिए किसी भी फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो रेंज, डोमेन और को डोमेन होता है वो सब क्या है, जैसे यहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन था वो क्या था कि जो सेट ए होता है वो डोमेन कहलाता है, सेट ए पूरा का पूरा डोमेन कहलाता है, सेट बी को डोमेन कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है, डोमेन प्रांत कहलाता है, और जिन जिन एलिमेंट से मैपिंग करता है सेट ए का एलिमेंट, बी के जिन जिन एलिमेंट से मैपिंग करता है उनका जो सेट बनता है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये जो है वो रेंज सेट कहलाता है, ये जो जिन जिन एलिमेंट से मैपिंग करेगा, हो सकता है कि 1 2 3 यहाँ 4 5 6 मैपिंग कर जाए, यहाँ पे 1 2 3 छूट जाए, छूट गया उसको छोड़ो, लेकिन जिन जिन एलिमेंट्स में मैपिंग करता है वो सभी उसके रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका फंक्शन का डेफिनेशन है। तो इसमें देखिए, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यू एफ और वी एफ क्षेत्र एफ पर दो सदिश समष्टि है। तो मान लो यू एफ जो है यू से वी में इंटू यू अंतर छिपी वी से एक रैखिक रूपांतरण है, तब एफ का परिसर वी के उन सभी सदिशों बीटा का समुच्चय है जो U में किसी अल्फा के लिए बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा से परिभाषित हो। इसे प्रायः R ऑफ F मींस रेंज ऑफ F से निरूपित किया जाता है। अतएव F का परिसर F के अंतर्गत U का प्रतिबिंब समुच्चय है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि जिन जिन एलिमेंट्स मैपिंग करता है, अब जो एलिमेंट जिस मैपिंग करेगा तो उसका इमेज ही उसमें मिलते जाएगा, प्रतिबिंब बोला गया है यहाँ पे, प्रतिबिंब का समुच्चय ही उसका रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है जो नॉर्मल फंक्शन का डेफिनेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिन जिन एलिमेंट्स मैपिंग किया जाएगा, यू का एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट से वी के जिन जिन एलिमेंट्स मैपिंग करेगा,
वो सभी एलिमेंट का जो सेट होगा वही रेंज कहलाएगा, और सेट वी जो है कोडोमेन कहलाएगा, सेट यू जो है डोमेन कहलाएगा, ठीक है। और ये स्मॉल एफ है क्योंकि फंक्शन जो है स्मॉल एफ से डिफाइन किया गया है, और कैपिटल एफ जो है वो फील्ड है। तो यहाँ पे आर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा, मतलब अगर ये अल्फा होगा ये एफ ऑफ अल्फा होगा, एफ ऑफ अल्फा विच इज बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू यू, अल्फा तो हमेशा यू बिलोंग करेगा, वो फंक्शन बनने के बाद में एफ ऑफ अल्फा वी में चले जाएगा, ये बोला गया। तो ये हो गया रेंज ऑफ एफ का, आर ऑफ एफ का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सदिश समष्टि समाकारिता की अस्टि या फिर कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, इसको बोल सकते हैं कर्नेल ऑफ अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, कर्नेल का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि U का जितना एलिमेंट V के जीरो वेक्टर से मैपिंग करता है, U का जितना वेक्टर V के जीरो वेक्टर से मैपिंग करता है, U का वो सभी वेक्टर कर्नेल कहलाता है। मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन हो, नॉर्मली अगर किसी नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे कर्नेल क्या होते हैं, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऐसा डिफाइन है, फंक्शन f डिफाइन है, और फंक्शन को x f x इक्वल टू x स्क्वायर बोला गया है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वन। तो कौन कौन से एलिमेंट से हमें जीरो मिलेगा, तो अगर f इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो जीरो मिल जाएगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। दूसरा चीज f ऑफ माइनस वन पुट करते हैं तब भी माइनस वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो वन से भी जो फंक्शन है वो जीरो आ रहा है और माइनस वन से भी जीरो आ रहा है, तो वन का भी मैपिंग जीरो है और माइनस वन का भी मैपिंग जीरो है। जब दोनों का मैपिंग जीरो है तो ये दोनों जो एलिमेंट है वो कर्नेल ऑफ एफ में पहुंच जाएंगे, तो इसका सेट बनेगा वो वन और माइनस वन होगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेम चीज आपको यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म में भी सेम चीज यूज करना है कि यहाँ पे वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन होगा, वो सभी एलिमेंट कर्नेल एफ में आएंगे जिनका मैपिंग सेट वी के जीरो वेक्टर से होगा, ठीक है, जिनका मैपिंग सेट वी के जीरो वेक्टर से होगा, जो जो मैपिंग करेंगे सेट वी के जीरो वेक्टर से, तो वो सभी कर्नेल एफ में आएंगे। तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि कर्नेल एफ इज इक्वल टू अल्फा विच इज बिलोंग्स टू यू, अल्फा तो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा यू में, और वो सभी अल्फा जो है कर्नेल एफ में आएंगे जिसका मैपिंग जीरो से होगा। बस यहाँ पे यही डेफिनेशन है। जीरो डेज जो है वी का शून्य सदिश है, हमेशा देखना जीरो का जो यू का जो जीरो वेक्टर होगा वो जीरो से डिफाइन करते हैं उसको, और वी एफ के जो जीरो होंगे उसको जीरो डेज से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि एफ जीरो इक्वल टू जीरो तो होता ही है, हमेशा होमोमॉर्फिज्म में एफ जीरो इक्वल टू जीरो होता है, जिसकी प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट में अभी पढ़ी है, ये जो प्रॉपर्टी था इसको हमने पढ़ चुका है, तो ये तो जीरो होता ही है। तो कम से कम जीरो वेक्टर तो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा ही। डब्ल्यू क्या है, कर्नेल एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू सपोज कर लिया गया है, तो कर्नेल एफ में डब्ल्यू एक एलिमेंट तो आएगा ही जीरो, क्योंकि जीरो तो जीरो से मैपिंग करेगा ही करेगा, होमोमॉर्फिज्म में यही डेफिनेशन है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि कुछ अगर मैपिंग करे या ना करे लेकिन जीरो वेक्टर तो जीरो से मैपिंग करेगा ही करेगा, जब वो एक होमोमॉर्फिज्म है, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो, ठीक है। तो कर्नेल एफ में एक एलिमेंट तो हमेशा रहेगा, वो कौन सा एलिमेंट है, जीरो वेक्टर, f0 is equal to 0 days हो जाएगा, इसलिए 0 तो obviously belong करेगा ही kernel f में, ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा इसीलिए kernel f कभी भी empty नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, उसमें एक नया एलिमेंट जीरो वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा। कभी कभी kernel f को f की रिक्त समष्टि null space अथवा शून्य समष्टि भी कहते हैं, ठीक है, kernel f को ही null space या फिर जीरो स्पेस भी कहते हैं, रिक्त समष्टि या शून्य समष्टि भी कहते हैं, तथा इसे n ऑफ f से निरूपित करते हैं। तो n ऑफ f में वो सारे एलिमेंट आएंगे, ये अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू u है, तो n ऑफ f में वो सारे अल्फा आएंगे जिनका मैपिंग जीरो से होगा, ठीक है। आई थिंक आपको कर्नेल क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी समाकारिता की अस्टि या कर्नेल सदिश समष्टि यू एफ की एक सदिश उप समष्टि होती है, ठीक है, किसी समाकारिता की अस्टि या कर्नेल बोलते हैं इसी को, सदिश समष्टि यू एफ की एक सदिश उप समष्टि होती है। ध्यान समझिए क्या बोला गया है कि ये जो कर्नेल होगा उसको उप समष्टि आपको प्रूफ करना होगा। उप समष्टि कैसे प्रूफ करते हैं कि अगर हमारे पास में जैसे कि डब्ल्यू
जैसे वी वेक्टर स्पेस है जिसका सबसेट डब्ल्यू है, वी का सबसेट डब्ल्यू है। डब्ल्यू को हम लोग वेक्टर सब स्पेस कब बोलते थे, कि जब ए बी बिलोंग करता था एफ में, फील्ड एफ में, और अल्फा बीटा बिलोंग करता था डब्ल्यू में। ये इंप्लाई करता था कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। तो हम लोग बोलते थे कि डब्ल्यू अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है जो कि वेक्टर सब स्पेस है वी का। ठीक है, अब देखिए तो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको कर्नेल को उपसमष्टि प्रूफ करना है यू एफ का। तो यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टियां हैं, तथा मान लो कि एफ जो है यू से वी में एक समाकारिता है। ठीक है, समाकारिता क्या बोला गया ना, समाकारिता है। जीरो तथा जीरो डेज क्रमशः यू और वी के शून्य सदिश हैं। मान लेते डब्ल्यू जो है कर्नेल एफ का कर्नेल है, डब्ल्यू को ही एफ का कर्नेल सपोज कर लिया गया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कर्नेल एफ इज इक्वल टू वो सभी अल्फा आएंगे जिसका मैपिंग जीरो से होगा। ठीक है, बस ये डिफिनेशन आपको याद रखना होगा कि अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो डेज। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्नेल एफ यू की एक उपसमष्टि है, हम बस यही प्रूफ करेंगे। तो मान लेते कि अल्फा बीटा कर्नेल एफ के कोई दो अवयव हैं, तो एफ ऑफ अल्फा भी जीरो पे मैपिंग करेगा, एफ ऑफ बीटा भी जीरो पे मैपिंग करेगा। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि एफ ऑफ अल्फा जीरो पे मैपिंग करेगा क्योंकि अल्फा बीटा कर्नेल एफ के मैपिंग है, कर्नेल एफ के एलिमेंट है। तो जो भी कर्नेल एफ के एलिमेंट रहेंगे वो सभी का मैपिंग क्या होगा, जीरो से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए यहाँ पे तो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, क्योंकि एफ जो है एक समाकारिता है, समाकारिता की प्रॉपर्टी यही है कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखा है उसको लिख सकते हैं ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। अभी हमने जो गुणधर्म देखा उसमें से बता सकते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू वो क्या हो जाएगा, ए वन एफ ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू एफ ऑफ अल्फा टू अगर एफ समाकारिता है। तो यहाँ पे वही वही प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया है, ए जो है एक जगह पे ए रखा गया है और एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो गया था, जीरो डेज के इक्वल हो गया था, और बी एफ ऑफ बीटा जीरो डेज के इक्वल हो गया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो जीरो डेज आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया जीरो डेज आ गया, तो इक्वल टू हमें जीरो डेज मिल गया। किसके इक्वल में, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा के इक्वल में हमें मिल गया जीरो डेज। अगर एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा जीरो डेज के इक्वल है तो हम ये जानते हैं कि ये जो एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली कर्नेल एफ में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट अगर जीरो से मैपिंग करता है तो वो जो एलिमेंट होता है वो कर्नेल एफ में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा कर्नेल एफ में। ठीक है, क्योंकि इनका मैपिंग जो हो रहा है वो जीरो से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए तो हम ये जानते हैं कि ए भी बिलोंग करते हैं एफ में, अल्फा बीटा बिलोंग करता है कर्नेल एफ में। यहाँ पे हमने लिया था, सपोज किया था कि अल्फा बीटा बिलोंग करता है कर्नेल एफ में, ये इंप्लाई करता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कर्नेल एफ में बिलोंग करता है। ठीक है, और जब ये स्टेटमेंट आता है तो हम कहते हैं कि जिसमें ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करता है वो वेक्टर सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का। तो यू एफ का जो कर्नेल एफ है वो वेक्टर सब स्पेस होगा, अतः समाकारिता एफ सच दैट यू यू टू वी इसकी जो अस्टी होगी, एफ की जो अस्टी होगी सदिश समष्टि यू एफ की एक सदिश उप समष्टि होती है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। देखिए इसके आगे एक और थ्योरम देख लेते हैं, ये थ्योरम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल बोला गया है कि यू एफ और वी दो सदिश समष्टि है, एफ जो है यू से वी में समाकारिता है, अगर समाकारिता है तो उसमें जो दो शून्य सदिश होंगे, ठीक है शून्य सदिश है। मान लेते हैं कि डब्ल्यू एफ का कर्नेल है तो कर्नेल एफ इज इक्वल टू डेफिनेशन ये हो जाता है। डेफिनेशन लेने के बाद में हम सिद्ध करने की कर्नेल एफ यू की उपसमष्टि प्रूफ करने के लिए आपको बस ये बताना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करता है कर्नेल एफ में। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पे एफ अल्फा इज इक्वल जीरो बीटा इज इक्वल जीरो लेना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि यू एफ और वी एफ दो सदिश उपसमष्टियां हो तो एफ जो है यू से वी में एक रैखिक रूपांतरण हो तो, ठीक है होता था, एफ जो है एक रैखिक रूपांतरण हो तो एफ का परिसर आर एफ, ठीक है जिसको इमेज ऑफ एफ भी कहते हैं, ठीक है आर एफ रेंज ऑफ एफ या इमेज ऑफ एफ वी की एक सदिश उपसमष्टि होती है। हमें ये प्रूफ करना है, देखो पहले क्या किया गया था ये चीज कि जो कर्नेल एफ होता है वो यू का सबसेट होता है और जो रेंज एफ होता है वो वी का सबसेट होता है। इसीलिए यहाँ क्या बोला गया कि जो आर एफ होगा वो वी की एक सदिश उपसमष्टि होती है, और यहाँ पे क्या बोला गया था कि कर्नेल जो होगा वो यू एफ की एक सदिश उपसमष्टि होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
कहाँ कहाँ पे, कर्नल एफ यहाँ पे है और रेंज ऑफ एफ यहाँ पे है। अब देखिए उपपत्ति की, मान लेते हैं जीरो जीरो डेज क्रमशः यू और वी के शून्य सदिश हैं, तथा चूंकि एफ जो है एक रैखिक रूपांतरण है, अतएव एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, रैखिक रूपांतरण में जो यू का जीरो वेक्टर होता है वो वी के जीरो वेक्टर से ही मैपिंग करता है। एफ जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा आर एफ में। ठीक है, यहाँ पे जीरो वेक्टर होगा जो कि बिलोंग करेगा आर एफ में, क्योंकि मैपिंग कर रहा है तो आर एफ में, रेंज एफ में ही बिलोंग करेगा। अगर आर एफ में बिलोंग करता है मतलब वो खाली नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा, नॉन एम्प्टी होगा, इसलिए आर ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। मान लेते हैं यहाँ पे बीटा वन बीटा टू बिलोंग करता है आर एफ में, अब एम्प्टी नहीं है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे उसमें, तो बीटा वन बीटा टू को हमने मान लिया आर एफ में है। तब कोई अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग करते हैं यू में, आर एफ में, इसमें क्या हो गया बीटा वन बीटा टू है, तो इस यू में हमने बिलोंग करवा दिया अल्फा वन अल्फा टू। तो यहाँ पे कोई ऐसा अल्फा वन अल्फा टू में इस प्रकार है कि एफ ऑफ अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन, तो इस अल्फा वन को इस प्रकार लिया गया है कि एफ ऑफ अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन और एफ ऑफ अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू। मान लेते हैं कि ए भी बिलोंग करता है एफ में, तो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू इज इक्वल टू ए बीटा वन की जगह पे एफ ऑफ अल्फा वन और बीटा टू की जगह पे एफ ऑफ अल्फा टू। अब यहाँ पे अगर ये समाकारिता या रैखिक रूपांतरण है तो वही हमारी गुणधर्म जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उससे, ये वाले प्रॉपर्टी से, कि अगर ए वन एफ अल्फा वन प्लस ए टू एफ अल्फा टू है तो उसके इक्वल में एफ ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिया गया है कि ए एफ ऑफ अल्फा वन प्लस बी एफ ऑफ बी अल्फा टू है, तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो अंदर चले जाएगा, और इसको वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं जो कि रैखिक रूपांतरण में लागू होता है। तो अब यू एक सदिश समष्टि है, ये हम जानते हैं कि, तो अल्फा वन और अल्फा टू बिलोंग करते हैं यू में, ए भी बिलोंग करता है एफ में, तो अगर ये सदिश समष्टि है तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू बिलोंग करता है यू में, तो एफ ऑफ ए अल्फा वन बी अल्फा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने निकाला है एफ ऑफ ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू, बीटा वन बीटा टू बिलोंग करते हैं आर ऑफ एफ में। ठीक है, बीटा वन बीटा टू बिलोंग करते हैं आर ऑफ एफ में, तो उसका जो वेक्टर एडिशन होगा वो भी बिलोंग करेगा आर ऑफ एफ में। ठीक है, वेक्टर एडिशन भी बिलोंग करेगा आर ऑफ एफ में, या फिर आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ ए अल्फा वन, मतलब यहां से जो भी एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे मैपिंग कर रहा है तो रेंज ऑफ एफ में ही बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट किसका है, यू का एलिमेंट है, तो उसका मैपिंग जो हो रहा है वो वी में हो रहा है, और वी में जिस जिस जो भी एलिमेंट मैपिंग करता है वो उसके रेंज में ही आता है, जो एलिमेंट मैपिंग नहीं करता वो तो वी में आता है, लेकिन जो एलिमेंट मैपिंग करता है उसके रेंज में आता है, आर ऑफ एफ में आता है, तो ये मैपिंग कर रहा है उससे, ये जो है आर ऑफ एफ में आ जाएगा। अब हमने कहां से स्टार्ट किया था, देखिए हमने सपोज किया था कि बीटा वन बीटा टू बिलोंग करते हैं आर ऑफ एफ में और फील्ड में ए भी बिलोंग करते हैं, तो ए भी बिलोंग करता है एफ में, बीटा वन बीटा टू बिलोंग करता है आर ऑफ एफ में, तो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बिलोंग करेगा आर ऑफ एफ में, और यहां से सदिश उपसमष्टि प्रूफ होती है। ठीक है, आर एफ वी की एक उपसमष्टि होती है, हम ये यहाँ से बता सकते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर उपसमष्टि प्रूफ करना है तो उसका डेफिनेशन होता है ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, बिलोंग्स टू डब्ल्यू विच इज सबसेट ऑफ वी, इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देयरफॉर डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, वी का सब स्पेस होता है। तो आपको ये वाला डेफिनेशन याद रखना होगा वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए। एक लास्ट थ्योरम और, मान लो कि क्षेत्र एफ पर यू एवं वी सदिश समष्टियां हैं, क्षेत्र एफ पर यू और वी सदिश समष्टियां हैं, वेक्टर स्पेस है, एफ जो यू से वी में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, तो एफ एक एक ही यदि और केवल यदि एसटी एफ जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, एसटी एफ जो होगा वो जीरो होगा, तो हमें दोनों साइड से प्रूफ करना होगा, क्योंकि यदि और केवल यदि वाला कंडीशन लग गया है, तो यदि एफ एक एक ही है तो एफ जो कर्नेल होगा वो जीरो डेज होगा। ठीक है, और अगर कर्नेल एफ जो है उसमें सिर्फ एक केवल और केवल एक ही एलिमेंट मिलता है जीरो डेज, तो एफ एक एक ही होगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो मान लो कि कर्नेल एफ इज इक्वल टू जीरो वेक्टर है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ एक एक ही है, पहले जीरो वेक्टर ले लिया गया कर्नेल एफ इज इक्वल टू, तो हमें एक एक ही प्रूफ करना होगा। एक एक ही प्रूफ करने के लिए हमें दो एलिमेंट लगते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, ये इंप्लाई करना चाहिए एक्स इक्वल टू वाई, तो हम बता सकते हैं कि
एफ एक एक ही है अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो मान लेते अल्फा बीटा बिलोंग करता है यू में, तो तथा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, तो हमें अब लाना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये हमें लाना है। तब हम ये जानते हैं कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा है, तो उसको साइड चेंज कर सकते हैं, तो एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 डेज, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो चुका है तो 0 डेज ही इक्वल में मिलना चाहिए, तो हमने वहां पे 0 डेज ले लिया। अब यहां से हम ये जानते हैं कि एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, ठीक है। और अभी हमने देखा कि अगर ये जो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, अगर एफ समाकारिता है तो, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डेज, वेक्टर इज 0 डेज। जो भी एलिमेंट का फंक्शन बनता है और उसका जो फंक्शन या मैपिंग 0 से होता है वो कर्नेल एफ में बिलोंग करता है, तो अल्फा माइनस बीटा ऑब्वियसली बिलोंग करेगा कर्नेल एफ में, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग करेगा कर्नेल एफ में। कर्नेल एफ में कितने एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट 0 डेज है, तो केवल एक ही एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है उसके एक एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है, यही 0 के इक्वल हो जाएगा फिर, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डेज हो गया। अब पक्षांतर गया तो बीटा को राइट साइड में, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, कहां से स्टार्ट किए थे, एफ अल्फा अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा से, तो हमारे पास क्या गया अल्फा इक्वल टू बीटा, अतः हम बोल सकते हैं कि एफ एक एक ही है। अब हमें जस्ट उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा, अगर एफ एक एक ही है तो कर्नेल एफ में हमें 0 वेक्टर लाके दिखाना पड़ेगा, तो एफ एक एक ही है तो हमें सिद्ध करना है कि कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 वेक्टर 0 डेज, ठीक है। अल्फा बिलोंग करता है कर्नेल एफ में, तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डेज हो गया। हमें ज्ञात है कि एफ ऑफ 0 का मैपिंग 0 डेज से होता है, ठीक है, एफ ऑफ 0 का मैपिंग 0 डेज से होता है, अतएव एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक एक ही है, एफ एक एक ही है तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा है, ये इंप्लाई करेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो वैसे ही एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 है, वो इंप्लाई करेगा कि अल्फा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो कर्नेल एफ में जो भी एलिमेंट होगा वो अल्फा था हमारे पास में, और वही अल्फा क्या आ गया 0 आ गया, तो उसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है 0 डेज, सेट 0, वो जो एलिमेंट क्या है वो 0 है, ठीक है। तो बस इतना ही प्रूफ करना था हम लोगों को, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।